खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर, स्टेशन के सामने, नवगछिया। नमस्कार, मैं हूं निधि झा और आप देख रहे हैं चेस्ट। आइए शुरुआत करते हैं बिहार की प्राइम टाइम खबरें। किसान आंदोलन पर बोले नीतीश, केंद्र से बातचीत होना जरूरी, नए कानून के प्रोक्योरमेंट में परेशानी नहीं। केंद्र सरकार की तरफ से लागू किए गए नए कृषि कानून के खिलाफ देश भर में किसान आंदोलन कर रहे हैं। किसानों के इस आंदोलन पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में ऐसा कानून 2006 से ही प्रभावी है और यहां किसानों को प्रोक्योरमेंट में कोई भी परेशानी नहीं दिख रही है। एम्स एलिवेटेड रोड का लोकार्पण, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री रहे मौजूद। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाली दीघा एलिवेटेड रोड की आज शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज इस एलिवेटेड रोड का उद्घाटन किया है। उद्घाटन के समय डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे समेत कई मंत्री मौजूद रहे। इंग्लैंड के तर्ज पर बिहार में बनी शैडो गवर्नमेंट, सरकार में पूरी कैबिनेट का होगा विस्तार, जनता दरबार लगाकर सुनी जाएगी फरियाद। इंग्लैंड की तर्ज पर अब बिहार में सरकार के काम काजों को बेहतर बनाने और लोगों की समस्या से सरकार को रूबरू कराने के लिए शैडो गवर्नमेंट का गठन किया गया है। शैडो गवर्नमेंट का गठन बिहार के कुछ समावेश सेवी संगठनों ने मिलकर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री के साथ पूरी कैबिनेट है। इंग्लैंड की तर्ज पर बनी यह गवर्नमेंट सरकार और जनता के बीच सेतु बनकर लोगों को सुविधा मुहैया कराएगी। शैडो गवर्नमेंट में सचिवालय भी काम करेगा, इसमें जनता के फरियाद भी सुनी जाएगी। बिहार शरीफ में पदस्थापित दरोगा की ब्रेन हैमरेज से मौत, पुलिस महकमे में शोक की लहर। नालंदा जिले में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। बिहार शरीफ पुलिस केंद्र के पदस्थापित एक दरोगा की मौत ब्रेन हैमरेज से हो गई है। मृतक दरोगा तेज नारायण राय बक्सर जिले के निवासी थे। वे पिछले कुछ महीनों से बिहार शरीफ पुलिस लाइन में पदस्थापित थे। सीएम नीतीश की मीटिंग के बाद बिहार में क्राइम हुआ अनकंट्रोल, 24 घंटे में अपराधियों ने जब और जहां चाहा घटना को दिया अंजाम, आवाम कर रही त्राहिमाम। प्रदेश में बढ़ते हुए लूटपाट और हत्या अपहरण के मामलों पर सरकार का कंट्रोल पूरी तरह खत्म हो गया है। गौर करें तो पूरे प्रदेश में अपराध को नियंत्रण करने को लेकर मंत्री की मीटिंग के बाद देखते ही देखते अपराधियों ने एक दर्जन से अधिक वारदातों को अंजाम देकर यह बता दिया है कि सुशासन सिर्फ नाम का है और अपराधियों के अंदर पुलिस या खौफ नहीं है। भागलपुर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर बरारी घाट, सीढ़ी घाट, हनुमान घाट, मुसारी घाट समेत अन्य गंगा घाटों पर लोगों ने डुबकी लगा कर दिया। भागलपुर में कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भागलपुर सहित पूरे देश के विभिन्न गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। भागलपुर के बरारी, सीढ़ी घाट, हनुमान घाट, जहाज घाट, मुसहरी घाट, SM कॉलेज घाट, बूढ़ानाथ घाट, आदमपुर घाट सहित सुल्तानगंज के अजैवी उत्तरवाहिनी गंगा तट पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी। कोरोना वैक्सीन पर बड़ी खबर, बिहार में दो फेजों का ट्रायल पूरा, तीसरे फेज का ट्रायल शुरू। कोरोना के बढ़ते संक्रमण से रोकथाम के लिए देश के सभी संस्थान वैक्सीन के ट्रायल में लगे हैं ताकि जल्द से जल्द इस महामारी से छुटकारा मिल सके। बिहार में दो फेज का कोरोना वैक्सीन ट्रायल पूरा हो चुका है, तीसरे फेज की तैयारी शुरू की गई है। अभी तक 250 से अधिक व्यक्तियों का इसके लिए निबंध हो चुका है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने रविवार को पटना एम्स में वैक्सीन ट्रायल की समीक्षा की। बिहार में मिले कोरोना के 457 नए मरीज, राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 23,56,016। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद बिहार रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताजा अपडेट जारी की गई है। इस अपडेट के मुताबिक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,56,016 हो गई है। बिहार में फिलहाल 6,105 कोरोना के एक्टिव मरीज पाए गए हैं।
लखीसराय में बिजली विभाग की बड़ी कार्रवाई, जिला पार्षद और प्रमुख सहित 22 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज। लखीसराय जिले के अलीपुर, रामचंद्रपुर, मोहनपुर और पिपरिया मोड़ के में अवैध बिजली कनेक्शन को लेकर बड़े पैमाने पर बिजली विभाग के द्वारा पटना से आए विशेष छापेमारी दल द्वारा लखीसराय पुलिस के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर छापेमारी की गई है। छापेमारी करने गई ट्रेनी आईपीएस की टीम पर अपराधियों ने किया हमला, भारी मात्रा में हथियार बरामद। भागलपुर जिले के कहलगांव में एक ट्रेनी आईपीएस भड़क सोनी पर अपराधियों ने बम से हमला कर दिया। मामला सामने आने पर बताया जा रहा है कुख्यात अपराधी दिव्यांशु झा को पकड़ने के लिए ट्रेनी आईपीएस भड़क सोनी और डीएसपी रेणु कृष्णा अपने दल बल के साथ छापेमारी करने पहुँचे। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437।